तक रिएक्शन से गालियाँ पड़ रही हैं, लोग चप्पल जूते फेंक रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं, इस कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं। संजय, फैमिली का क्या रिएक्शन रहा जब एक ऐसा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर जब आपके पास आया प्ले करने को ऑन स्क्रीन, तो फैमिली क्या, वर दे हैप्पी यू प्लेइंग दिस कैरेक्टर? As an actor, they were happy कि मेरे को काम, I got a work, but as a character, कसाब किसी को भी पसंद नहीं है। So जो normal हर किसी का reaction होता वही मेरे मम्मी पापा का भी था। और जब वो फिल्म देखे, last hanging scene देख कर के मेरी मम्मी रो पड़ी, मतलब यार क्या हो रहा है इसके साथ, तो ऐसा था reaction। बाकी फिल्म मेकर से कैसा reaction मिला आपको इस character के लिए I don't have any idea. मतलब बच्चन साहब को बहुत पसंद आया फिल्म, और कसाब भी उनको बहुत पसंद आया, और बाकी मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है कि किसका क्या रिएक्शंस है। इस रोल के लिए कितने प्रिपरेशंस करने पड़े आपको, वो लुक के लिए कितने प्रिपरेशंस करने पड़े? इसी कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो आप उसको, उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड, वो कैसे, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या, वो चलता कैसे, बोलता कैसे, उसकी चीज़ों को पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो जो जो कसाब से रिलेटेड जो भी वीडियोस इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सोशल नेटवर्किंग साइट गूगल जो भी है, मैंने वहाँ से उसके बारे में सर्च किया, पता किया। उसके बाद फिर एक बुक है कसाब दी फेस ऑफ टेरर बाय रोमिल रोड्रिग्यूस, तो उसमें बहुत डिटेल्स में सब कुछ बताया गया कसाब के बारे में, तो वहाँ से मैं पढ़ाऊँ। बाकी डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उनसे भी उसके बारे में डिटेल्स लेने के बाद मैंने एक अपना एक पॉइंट्स बनाया कसाब के बारे में कि अगर कसाब होगा तो ऐसे ही होगा। सो ऐसे मैंने प्रिपेयर किया। Are you disappointed with the largely negative reviews the film has been getting? Yeah, obviously. what about your performance? What have people said about it? Are you thankful that hasn't come under too much fire? Yeah, I mean people are liking me as a character, as an actor they are liking me, but they are hating Kasab, they are liking me as an actor. So they are appreciating my work, and they are abusing me while they are watching the movie, they are abusing me, they are throwing chappals, they are throwing water bottles on screen. So I think as an actor that is a compliment for me, as an actor. Sanjay, ye aapki pehli film hai? Haan ji, pehli film hai. मैंने सोचा एज एन एक्टर, क्या अगर आप कसाब प्ले करते हो ना, तो कसाब के अंदर यू गॉट मल्टीपल शेड्स ऑफ एक्टिंग, मल्टीपल लेवल्स हैं। आप अगर फिल्म शुरू से देखना शुरू करते हो और एंड तक जाते हैं, तो आप देखेंगे कि कसाब का जो कैरेक्टर चेंज होता है, उसमें ग्राफ हो, एक ग्राफ है उस कैरेक्टर का, वो यू मूव करता है। सो इसलिए मुझे लगा कि एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ करने को उसमें मिल सकता है, और एक चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए, इसलिए मैंने किया। आप फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने आए? मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हीरो बनने आया हूँ, मैं गुड कैरेक्टर्स, जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं, जो चैलेंजिंग कैरेक्टर्स हैं, जिन्हें करके मुझे लगे कि हाँ यार लोग मुझे एज एन एक्टर अप्रिशिएट कर रहे हैं उस रोल के लिए, सो मैं वैसे कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता था कि मान लो जैसे रणबीर कपूर है, शाहरुख खान है, वैसे कोई रोमांटिक रोल करते और फिर उस तरह से इमेज बनती है, इससे अलग इमेज बन गई आपकी? बट आजकल क्या है कि सबको, हर कोई जो है वो रियल सिनेमा देखना पसंद कर रहा है, तो अभी इन सब चीज़ों के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रह गया। आप अगर अच्छी एक्टिंग करते हो तो आज आप नेगेटिव कर रहे हो, कल शायद आपको पॉजिटिव भी मिल जाए और आप कुछ और भी कैरेक्टर करो। सो मेरा ये सोचना है। कितनी उम्र है आपकी? राइट नाउ आई एम 25। सिडनी, आई वॉज डूइंग थिएटर 5 years बैक, so for the last four years I mean struggling here for some role, so I went through the audition, so Harshal has taken my audition, he has shown it to Ramu sir, and he has selected me, so like that. So you think you've done justice to the role? I think the audience are reacting so bad, I mean they are abusing me, they are throwing chappals and all, it means मैंने अपना काम किया है। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब मुझे नहीं मालूम था इतना ज़्यादा मतलब ऐसे लोग रिएक्ट करने वाले हैं, बट मैं प्रिपेयर था क्योंकि कैरेक्टर ही ऐसा है। मैंने पहले बोला कि एज एन एक्टर मैं देख रहा था कि एक चैलेंजिंग रोल है, अगर आप पूरी फिल्म देखोगे ना तो एज एन एक्टर बहुत कुछ करने को है कसाब में, सो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। बाकी अभी
रियल सिनेमा सब ट्रेंड चेंज हो चुका है, लोग नेगेटिव भी हीरो नेगेटिव कर रहा, नेगेटिव पॉजिटिव कर रहा, तो सब कुछ हो रहा है उस हिसाब से। मतलब मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे लगा ऐसे एक्टर करना चाहिए और मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, शायद वो दिखा भी।